हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चेक साउंड प्रॉपर। ओके। ओके ठीक है। चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द हाँ, आधा लेक्चर बाकी है। बिल्कुल है। और वो लेक्चर रिकॉर्ड कब करना है? आज क्या डे है आप बताओ मेरे को। आज शायद थर्सडे है। आज थर्सडे है ना? आज थर्सडे है। सैटरडे को आपकी शायद कोई क्लास नहीं होगी जहां तक मेरा ख्याल है ना। सैटरडे को हम वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। आज मुझे कुछ और करना है। 12th को भी एक चैप्टर करके देना है, उनका टेस्ट है इसलिए, है ना। तो सैटरडे को क्लास है क्या? अच्छा हाँ, सैटरडे को आपकी क्लास है, एक और क्लास नहीं है। हाँ तो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। सैटरडे को कर दूंगा क्योंकि आपकी है लेकिन दूसरे बैच की नहीं है, तो उसकी जगह मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। कैसे करूँ? या देखते हैं कब करते हैं ना। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, लेट्स सी लेट्स सी। तो अब तो आगे का पढ़ाता हूँ मैं आपको, है ना। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहा था। तो मैंने आपको बताया था जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि किसी कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में कितना आयनिक करेक्टर है। या वो ये भी आपको बता सकता है, या वो आपको ये भी बता सकता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, है ना। जैसे कि एक टर्म मैंने आपको बताया था, और वो टर्म था बॉन्ड मूवमेंट, यदि आपको याद हो। तो बॉन्ड मूवमेंट का मतलब क्या था? ऐसा बॉन्ड जिसमें कि जो दो एटम प्रेजेंट हैं, वो दोनों एटम जो हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो जब दो अलग अलग एटम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। तो किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं है, ये बात हम डिसाइड एक सिंगल बात से कर सकते थे। और सिंगल बात क्या थी? किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी है या नहीं, ये बात एक सिंगल बात से डिसाइड हो सकती थी। और सिंगल बात क्या थी? सिंगल बात ये थी कि जो दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है या नहीं है। यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। करेक्ट है बेटा? हाँ ना, बोलना पड़ेगा। बॉन्ड पोलर होगा, ठीक है। और यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड नॉन पोलर होगा। बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अब कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है, ये कैसे डिसाइड करना है? तो चूंकि एक मॉलिक्यूल में इन जनरल जनरली क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में, वैसे तो दो एटम वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो दो एटम वाले मॉलिक्यूल में तो डिसाइड करने में सिंपल है। क्या आपने सिर्फ ये देखना है दो एटम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है या नहीं है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो हम बोल देंगे कि बॉन्ड जो है वो पोलर है। जैसे कि यदि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कोई ले ले, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो दो ही एटम होते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है इफ टू एटम्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, देन मॉलिक्यूल इज पोलर। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। जैसे कि मेरे पास यह जगह खाली है तो आपसे पूछ लू एग्जाम्पल, HCl, HF, HBr, HI, H2, HI, और क्या बोल दूं मैं, जैसे कि मैं H से ही कोई सा बॉन्ड बना देता हूँ, किसका बनाऊ? नहीं, यही फेमस एग्जाम्पल है। डायएटमिक मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। ये हो गया, है ना। दे ऑल आर पोलर, क्योंकि जो दो डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं ये दोनों डिफरेंट एटम में पोलैरिटी है, मतलब दोनों डिफरेंट एटम में सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल हो गए, डाई एटमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जाम्पल ले लूं, जैसे N2,
जैसे एग्जाम्पल ले लूं O2, जैसे एग्जाम्पल ले लूं H2, जैसे एग्जाम्पल ले लूं Cl2, Br2, I2, ये सब क्या होंगे बेटा? नॉन पोलर, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो ये बात तो तय हुई। ठीक, अब आते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट और से नेट डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट्स। क्लियर है बेटा? सारे का वेक्टर सम यदि कर लिया जाए, सारे जितने भी डायपोल हैं उनका वेक्टर सम कर लिया जाए, तो फिर क्या कहते हैं, हम उसका डायपोल बता सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट कितना हैंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देकर के, और मैंने बोला था इसका नेट वेक्टर सम जीरो आएगा, क्योंकि डाइपोल का जो वेक्टर लगता है वो उस दिशा में लगता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर ली जाती है। तो ये इस दिशा में लगा, ये वेक्टर इस दिशा में लगा। क्लियर है? तो ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू बराबर जीरो आ जाएगा। इतनी बात मैं आपसे कर चुका था लास्ट क्लास में, है ना? इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं थोड़ी बहुत और, तो जैसे कि अच्छा इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया था, फिर मैं आपको बेंजीन रिंग में कुछ कुछ बताने लगा था ना, ऐसा करके बताने लगा था, मुझे याद है ये बात। ठीक, एक पॉइंट मैं आपको यही बताता हूँ, सुनना आप मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना? इन डिसाइडिंग डाइपोल मोमेंट इन डिसाइडिंग डाइपोल मोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर इज वेरी डोमिनेटिंग। जैसे कि इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, जैसे अमोनिया है ना, तो अमोनिया में क्या होता है, यदि आप वेक्टर लगाओगे बॉन्ड मोमेंट के और एक लोन पेयर है बेटा, तो इसका वेक्टर इस दिशा में लगेगा, इसका वेक्टर इस दिशा में लगेगा, इसका वेक्टर इस दिशा में लगेगा, और लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड डायरेक्टेड ऐसे होगा। तो चूंकि लोन पेयर में डेफिनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका वेक्टर काफी डोमिनेटिंग होता है इन डिसाइडिंग द डाइपोल मोमेंट। किसका बेटा? लोन पेयर का। ठीक है, यहां तक सब लोग को मैं पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में। और एक बात और बताई थी बेंजीन रिंग के बारे में, है ना? एक बात बेंजीन रिंग के बारे में बताई थी मैंने, कहा इसको अभी याद कर लेना क्योंकि रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है। तो ये बोला था मैंने, यदि बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ऐसा ग्रुप लगा है डायरेक्टली जिसपे एक ही लोन पेयर है, तो डायपोल का वेक्टर कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है, और यदि कोई ऐसा ग्रुप डायरेक्टली लगा हुआ है जिसपे एक से ज्यादा लोन पेयर हैं, तो वेक्टर कहाँ डायरेक्टेड रहेगा डायपोल का? इस OH ग्रुप के कारण अपवर्ड डायरेक्टेड रहेगा। बोला था बेटा, बोला था एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वेक्टर रिंग से आउटवर्ड डायरेक्टेड रहेगा डायपोल का इस ग्रुप के कारण। ठीक है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो रहता है ना, ये वाला अंदर की ओर जाता है, एक फिनोमेना होता है रेजोनेंस का उसके कारण, और एक लोन पेयर जो बचता है उसका वेक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। खैर इतना समझने की जरूरत नहीं, अभी तो आप रट लो इस बात को कि लोन पेयर वेक्टर का लोन पेयर ऐसे सॉरी डाइपोल का वेक्टर ऐसे ग्रुप का जिसके ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर हो वो बेंजीन रिंग से आउटवर्ड डायरेक्टेड रहता है। समझा मैं सकता हूं, लेकिन अभी आप उस काबिल नहीं हुए कि आप इसको समझ लो, है ना? तो आप मेरी बात को नहीं, दो बॉन्ड नहीं बना सकते, एक एक तो बना सकते हो, फिर दूसरा नहीं बना सकते हो, क्योंकि फिर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाने लग जाएगा, उसका पेट फट जाएगा। समझ रहे हो बात को? वो फिर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की संभावना बढ़ती जाती है और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर के मैं आपको एक बात बताऊं कि ये टॉपिक अलग है, रेजोनेंस टॉपिक है, जब उसको पढ़ाऊंगा तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बेटा नहीं, अभी वो टॉपिक आपका खुलेगा नहीं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुलेगा, क्योंकि आप 11th क्लास में हो तो आपने ये सब अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं यदि ये सब खोल दूंगा तो आपका क्या होगा, आपका कचरा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि ये सब नहीं बताया तो होगा ये कि ये उधर ऑर्गेनिक में भी आए, ये जरूरी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं थोड़ा सा, है ना?
तो जब ऑर्गेनिक में रेजोनेंस आएगा, यदि मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपको ये बात बता दूंगा कि मतलब वहां पे जो वेक्टर पढ़ाया था, वहां पे जो डाइपोल पढ़ाया था, वो क्यों पढ़ाया था डाउनवर्ड डायरेक्टेड। समझ रहे हो बात को? आफ्टर यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, नॉट बिफोर दैट। अब सुनो, इधर लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एफ लगा दिया, एफ के ऊपर तीन लोन पेयर होंगे। अब बताओ इसका वेक्टर कहां डायरेक्टेड होगा, जल्दी बोलो। फ्लोरीन का वेक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड होगा डायपोल का कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो आप ये ट्रिक सीख गए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। जो भी बच्चा इस चीज को समझता हो, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा 12th आ गया है ना, या वो ड्रॉप में आ गया, तो उससे तो ये समझ में आएगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो उसके लिए बहुत आसान होता है, वो ये समझ जाएगा कि एक लोन पेयर अंदर जाएगा रेजोनेंस में, तब भी दो लोन पेयर ऊपर है, तो जो दो लोन पेयर है उनका वैक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड होता है, और लोन पेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो इसलिए नेट वैक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड है। यदि दो लोन पेयर है तो एक तो नीचे जाएगा, लेकिन एक लोन पेयर टिका हुआ है, तो इस लोन पेयर का वैक्टर अपवर्ड डायरेक्टेड होगा। इस लोन पेयर का जो नीचे गया है उसका वैक्टर डाउनवर्ड होगा, लेकिन डोमिनेटिंग वैक्टर ऊपर वाला है, इसलिए डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आ गया है। और अभी नहीं समझा सकता हूं इस स्तर पर, ठीक। अब हम लोग जो है इस पे थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी किसका वेक्टर आपको किस तरीके से लगाना है। तो चलो थोड़े से बॉन्ड एंगल देखते हैं और चीजों को देखते हैं। डाइपोल का, डाइपोल के बीच में जो है जो वेक्टर सम करना है वो किस तरीके से करना है, हमको वो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। आप पहले इसको उतार लो, फिर उसके बाद में सिखाता हूँ, ठीक है। जल्दी से उतार लो, यहां तक कल मैं पढ़ा चुका था, यहां तक कल मैं आपको पढ़ा चुका था, जल्दी से सिखाता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये इट इज अ सम ऑफ सम नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड सम नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना, दोनों चीजें इधर आने वाली हैं। एंड लेट मी चेक कि आप लोग जो है कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और लेट मी नॉट से फिजिक्स, इट इज एक्चुअली मैथमेटिक्स, है ना, सम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स विद सम नॉलेज ऑफ chemistry, because maths is a common subject, it comes everywhere, ठीक है बेटा, हर जगह पे आ जाता है maths, और हर subject समझ में आना बंद हो जाता है जैसे ही उसके अंदर complicated maths घुसता है। अब सुनना आप मेरी बात को, और देखते हैं कि आप इसको कितना अच्छे से कर पाते हो। ये तो आप सीख गए कि वेक्टर किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ना, रिंग के ऊपर। अब आप मुझे बताओगे, देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस तरफ है, या तो वेक्टर उस तरफ डायरेक्टेड होता है जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, या वेक्टर उस तरफ डायरेक्टेड होता है यदि लोन पेयर है ऊपर रिंग के, मतलब ग्रुप के ऊपर जो रिंग से जुड़ा है उस पे लोन पेयर है। एक लोन पेयर तो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, दो लोन पेयर है तो अपवर्ड होगा, तीन लोन पेयर है तो अपवर्ड होगा, ठीक है। यदि लोन पेयर नहीं है, जो ग्रुप अटैच है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जो एटम अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस तरफ वेक्टर होगा, और यदि एटम अटैच जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन रिंग के कार्बन से कम है तो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। सिंपल एग्जांपल से आएगा समझ में। मान लो मैंने यहां CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है? CH3 जब यहां लगा हुआ है, यार ऐसे चलोगे तो वही पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है? तो इतना इतना लेट क्यों रिस्पॉन्स आया भाई? किसी ने हाइब्रिडाइजेशन इसका 15 बोला है, संभवी हाइब्रिडाइजेशन पूछा था बेटा, हाइब्रिडाइजेशन 15 होता है, ये क्या आंसर हुआ? हाइब्रिडाइजेशन इज, इससे कितने बॉन्ड जुड़े, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? आंख आंख का इस्तेमाल करो भाई, इस कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं। क्यों भाई? तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, और ये वाला बॉन्ड कौन गिनेगा? ये वाला, ये चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा क्या यार? बॉन्ड नहीं गिन पाते भाई, तीन तो ये हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, तीन तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, और एक कार्बन, ये कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है भाई, ये भी तो कार्बन है, 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 ये भी तो कार्बन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता क्या, कैसा होता है, 9th 10th कैसे पास हुए ये लो, ठीक है।
तो इस कार्बन से चार बॉन्ड जुड़े हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सही में पढ़ाना यदि इस तरीके से चलोगे, गिनती नहीं गिन पाओगे तो कैसे पढ़ाओगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगा, नीचे वाले कार्बन का बॉन्ड गिनो, कौन से बॉन्ड गिनने हमको। हाँ परागी सही है, आंसर सही है, सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है, और ये शायद इसलिए भी सही है कि मैंने बहुत मदद कर दी, सब कुछ तो लिख दिया यहाँ पर, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, करेक्ट है। मुझे बताओगे इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, किसी को याद हो तो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है। लो भाई गुड, अथर्व ने सही बताया, अथर्व सोमानी का आंसर पहले आया है, सही है, दिस इज 2.75। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ये अथर्व ने गलत बताया, sp3 की पूछ रहा हूँ, sp3 नहीं, नहीं कई बच्चों का आंसर गलत है, लगता है आपको आंसर एक दूसरे के दिखाई देते हैं तो आप लोग एक दूसरे का आंसर टोप देते हैं ना, 2.5 है, 2.5 है आंसर, समझ रहे हो बात को, 2.5 है। आप लोग पर्सनल चैट पे आंसर दिया करो, ग्रुप चैट पे मत दिया करो, नहीं देख सकते, अच्छा ओके ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज की होती है बेटा 3.25, है ना, दो तीन बच्चों ने 3.25 बोल दी थी, लेकिन वो sp की होती है, sp3 की तो 2.5 ही होती है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ, और इस पे तो कोई लोन पेयर है नहीं कार्बन वाले ग्रुप पे, तो इसका वेक्टर कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, इसका वेक्टर किस तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, बोलो आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, उस ग्रुप के कारण जो वेक्टर होगा डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ, है ना। अब चलो अब एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, अब आप मुझे ये बताना, ये जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, ये CH3 है और ये CH3 है, करेक्ट है, इसका वेक्टर किस तरफ डायरेक्टेड होगा, रिंग की तरफ डायरेक्टेड होगा, रिंग की तरफ डाउनवर्ड, तो इसका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड हुआ, इसका वेक्टर कहां डाउनवर्ड होगा, ये रिंग की तरफ ही, नीचे की तरफ ही डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड, तो ये इधर आ गया। इन दो वेक्टर्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, इन दो वेक्टर्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, क्या आप बता सकते हो इन दो वेक्टर्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, क्योंकि वेक्टर सम तो तभी निकाल पाओगे आप। ओके 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 ओके, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है, 60 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि मैं इस वेक्टर को यदि एक्सटेंड कर दूं तो नीचे की तरफ यू चला जाएगा, ऐसा हुआ ये वेक्टर, और ये वेक्टर ऐसा आ रहा है, यू आ रहा है, यू, तो मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा ऊपर की तरफ और फिर यू कर दूंगा कनेक्ट। कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा कि उन्होंने ये वेक्टर लाके इधर लगा दिया होगा ऐसे, और उन्हें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिखा होगा, जो कि गलत है, क्योंकि जब एंगल बिटवीन द वेक्टर देखते हैं तो किन दो चीजों को कनेक्ट करते हैं, एंगल देखने के लिए, कौन सी दो चीजों को कनेक्ट करके फिर एंगल देखते हैं वेक्टर का, टेल को, टेल को कनेक्ट कर देंगे फिर जाकर के हम वेक्टर का एंगल देखेंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर किया जा सकता है, तो मैं इधर ऐसे नहीं ला सकता हूं, मैं यू पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करके इधर लाके वेक्टर लगा दूंगा, ऐसा ले जाओ और यू ले आओ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हुआ, मैं वेक्टर को बिना घुमाए हुए यदि शिफ्ट कर रहा हूं तो दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर, तो ये ऐसा आ गया, एंड देयरफॉर टू टेल्स आर कनेक्टेड, द बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, करेक्ट है, अच्छी बात है, आपने ये सही किया, ठीक है। चलो आ रहा है ये गेम समझ में सब लोगों, आ रहा है सबको गेम समझ में, गुड। अब चलो अब मैं यहां पर ऐसा करता हूं, एक फ्लोरीन लगा देता हूं और यहां पर भी एक फ्लोरीन लगा देता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनके बीच में जो इनका सबसे पहले वेक्टर लगाओ, इस बॉन्ड के लिए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड के डाउनवर्ड, आउटवर्ड के इनवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, बाहर की ओर जाता होगा, इसका वेक्टर आउटवर्ड के इनवर्ड, आउटवर्ड के इनवर्ड, आउटवर्ड, तो ये वेक्टर भी आउटवर्ड, थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा वेक्टर्स के बीच में, वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, किन्हें दिख रहा है यार, वन पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करना बेटा, इस वेक्टर को यू एक्सटेंड कर दे, ये वेक्टर को यदि तू ऐसे एक्सटेंड कर दे और इस वेक्टर को यू एक्सटेंड कर दे तो कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल दिख रहा है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है यार भाई, वेक्टर देख, चल तू इधर मत लगा, इधर लगा दे, यू लगाया तूने, इसको लेकर के यू कर दिया, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल आया ना भाई, तो वेक्टर एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 120 डिग्री का नहीं है वेक्टर, है ना, ठीक है। चलो अब मान लो मैं यहां थीटा बराबर कितना था वेक्टर्स के बीच में, 60 डिग्री यहां लगा दिया, इधर CH3 लिख देता हूं और इधर CH3 लिख देता हूं, कितने डिग्री का वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, टू वेक्टर्स के बीच में, यदि इसको देखा जाए तो इसका वेक्टर डाउनवर्ड है, मतलब इनवर्ड है कि अपवर्ड है,
इनवर्ड है कि अपवर्ड है? इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड हो गया। लो भाई एक्सटेंड कर दिया वेक्टर को। ये इनवर्ड है कि अपवर्ड है? ये इनवर्ड है या अपवर्ड है, जल्दी बताओ। ये भी इनवर्ड है, बोलो ना, ये भी इनवर्ड है। तो इनवर्ड है मतलब यूं, लो वेक्टर को यूं एक्सटेंड कर दिया। अब एंगल देखो कितने का दिख रहा है, ये एंगल क्लियरली दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बोलो हाओ, हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा। चलो अब इस वाले का आप मेरे को बताना, इसके बीच में वेक्टर कितना है? ये CH3 मॉलिक्यूल है और ये CH3 मॉलिक्यूल है। इसका जो वेक्टर होगा वो इनवर्ड होगा और इसका वेक्टर भी इनवर्ड होगा यू। तो यदि दो वेक्टर को उनकी टेल से कंबाइन कर दिया जाए तो क्या कहानी कुछ ऐसी दिखेगी? इसके बीच बॉन्ड एंगल कितने का दिख रहा है? 180 डिग्री का। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है क्लियर? ओके अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। यदि आप यहां तक समझ गए हो तो अब आप मुझे बताना कि ये फ्लोरीन है और ये है CH3। बताओ इसके बीच में, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? अब देखें आप कितना देख सकते हो, कितना नहीं देख सकते हो। ओके, ज्यादातर बच्चों का आंसर ये सही आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का ये आंसर सही आ रहा है। इसका वेक्टर बेटा डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा, मतलब इनवर्ड। वेक्टर को यूं एक्सटेंड कर दिया मैंने ऐसे करके। और इसका वेक्टर कहां डायरेक्टेड होगा बेटा? इनवर्ड के आउटवर्ड। इसका वेक्टर इनवर्ड डायरेक्टेड था, इसका वेक्टर भी इनवर्ड डायरेक्टेड है। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत था, इनफैक्ट इसका इनवर्ड डायरेक्टेड है, इसका भी इनवर्ड डायरेक्टेड है, तो इसका भी इनवर्ड डायरेक्टेड। ये एंगल कितने का दिखाई देगा? 60 डिग्री का देगा, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अबे ये एंगल 60 डिग्री का दे रहा ना दिखाई, ये 90 से बड़ा एंगल दे रहा है क्या दिखाई? आंख खोलो ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। आया? आउटसाइड कौन सा होगा? ओ हाँ, मुझसे गलती हुई। ये वाला वेक्टर मैंने गलत बनाया, ये वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्टेड है। अब इसको एक्सटेंड कर दो तो ये कितने डिग्री हुआ? 120। ज्यादातर लोगों का आंसर सही था, मैंने गलत कर दिया था, 120 डिग्री। ज्यादातर लोगों का आंसर सही था, ठीक है। वापस से बनाता हूँ इसको, थोड़ा कचरा होती हम उसको फिर से बनाती, ठीक है, लो मिटाती। चलो ये आ गया, ये और ये और ये, ये फ्लोरीन और ये CH3। CH3 का वेक्टर इनवर्ड एक्सटेंड करके लगाओ तो क्लियरली दिखाई देता है। इसका वेक्टर आउटवर्ड एक्सटेंड कर दो इस तरफ। अब देखो इन दो के बीच में एंगल आपको कितना दे रहा है दिखाई, ये एंगल कितना दे रहा है दिखाई? ऐसा फैला हुआ एंगल है तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का एंगल दे रहा है दिखाई। बोलो हाओ, हाना बोलना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा सही है कि नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो इधर हो जाता बेटा, ऐसा कुछ है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने जो है बनाते हुए इसको उतना सुंदर नहीं बनाया, जैसे कि मैं बताऊं एग्जैक्ट यदि आपको एंगल देखना है ना, कोई कंफ्यूजन एंगल में नहीं पालना है, जैसे कुछ को ये 90 डिग्री दिख सकता है तो आपको क्या करना चाहिए और ट्रिक बताता हूँ, है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो एंगल देखने में, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो किसी प्रकार का, है ना। वो कैसे आप देख सकते हो? उसको देखने के लिए आप सिंपल सरल गणित यू कर सकते थे, जैसे इधर फ्लोरीन लगाया बेटा और इधर क्या लगाया? CH3 लगाया। बस इसका वेक्टर इसी के ऊपर लगाओ तो कभी भी एंगल आपको गलत नहीं देगा दिखाई। इसका वेक्टर अपवर्ड है, ये गया अपवर्ड, यूं लग गया। इसका वेक्टर कहाँ है? इसका वेक्टर इनवर्ड है, तो इसका वेक्टर इनवर्ड यूं लगा। अब इसको पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट किया तो यूं आ गया, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का एंगल। बोलो हाउ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जिस तरह वेक्टर है बस उसको आप एक्सटेंड करके दो टेल्स को कनेक्ट कर दो, आपको एंगल समझ में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बस हो गया, लेकिन आउटवर्ड इनवर्ड वाला भी हुआ, इनवर्ड इनवर्ड वाला भी हो गया, आउटवर्ड आउटवर्ड वाला भी हो गया, दोनों हो गए, है ना। एक ये वाला मुझे बता देना आप, यदि आपको पता हो तो। ये फ्लोरीन लगा, ये CH3 लगा,
व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑफ डाइपोल? शाबाश 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 शाबाश। कुछ लोगों ने, जिनने 120 बोला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके दिमाग की ओवरहॉलिंग करा दे, है ना। 180 और 0 तो समझ में आ रहा है, इसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है तो फिर भगवान ही मदद कर सकता है उसके। इसका वेक्टर किस तरफ डायरेक्टेड होगा? अपवर्ड। इसका वेक्टर किस तरफ होगा? अपवर्ड। इसका वेक्टर कहाँ होगा? इनवर्ड। तो क्या दोनों एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं? जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। सो द म्यूजिक, सो इसका वेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका वेक्टर एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आई सपोज दैट सब बच्चों को बात कुछ कुछ समझ में आ गई है। लो, यदि मैं NH2 लिखता हूं और यहां पर OH लिखता हूं, कौन हुशियार बच्चा मेरे को बता सकता है कि इनका वेक्टर एंगल कितना होगा? इनका वेक्टर एंगल कितना होगा? अथर सुमानी, सोच समझ के बोलो। सभी बच्चे सोच समझ के बोलो क्या आंसर है उनका, ठीक है ना। NH2 का वेक्टर अपवर्ड के इनवर्ड, NH2 का वेक्टर इनवर्ड के आउटवर्ड? इनवर्ड, क्योंकि एक ही लोन पेर है तो वेक्टर इनवर्ड। इसका वेक्टर इनवर्ड के आउटवर्ड, दो लोन पेर है तो आउटवर्ड। तो वेक्टर कैसा लगा? आउटवर्ड। इसको एक्सटेंड करो, ये एंगल कैसा दिखाई दे रहा है? ये एंगल 60 दे रहा है कि 120 दे रहा है? ये एंगल 120 दे रहा है दिखाई, एंड देयर फोर दिस इज 120 डिग्री। क्या चमका, क्या चमका, क्या चमका। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जब आपने पढ़ा था, तो जब दो वेक्टर एडिशन होता है तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है एडिशन करने के बाद में, उसके लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू, या सम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद आ गया आपको बेटा? तो मैं यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू लिखूंगा म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू cos थीटा प्लस म्यू वन म्यू टू cos थीटा। क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा? आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, और cos 120 आ रहा है, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। आई होप सो सभी बच्चों को रटा पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ा होगा, ठीक है ना। मुझे ये सब आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोग समझ गए, समझ गए सब लोग। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े लोगों को नहीं आते ये क्वेश्चंस, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसको उतार लो, फिर मैं इस पे आपको क्वेश्चन फटाफट कराता हूँ, किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा, किसका डायपोल मूवमेंट कम। जल्दी जल्दी करती, फटाफट करती। तो फिजिक्स कनेक्ट हुआ थोड़ा सा, या बोले तो मैथ्स कनेक्ट हुआ थोड़ा सा केमिस्ट्री से, आपको आनंद आया होगा, ठीक है बेटा। मने तो बहुत आनंद आता भाई। आप लोग जैसे रिवीजन करते रहोगे ना बार बार लेक्चर्स का, आपको बहुत सही हो जाएगा आपका सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कल मैंने जब आपके लिए वन शॉट किया था, रिकॉर्ड किया था, तो आपने देखा होगा आपको हर चीज याद होगी लगभग, कल आपने देखा होगा लगभग हर चीज आपको याद आ रही होगी, और उन्हीं को याद आएगी ये जिन्होंने बार बार रिवीजन किया, उनको लगेगा मजा आ गया, बेहतरीन हो गया काम। जैसे क्या आप इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करोगे और टेस्ट के समय वन शॉट रिवाइज करोगे, और वैसे बार बार रिवाइज करोगे, तो सब्जेक्ट आपके दिल में, दिमाग में, ब्लड में सब दूर बस जाएगा। उसके बाद जब आप 2 साल बाद एग्जाम, दो साल या 1.5 साल बाद जब आप एग्जाम दोगे, तो बेटा ये जो वन शॉट है, इस वन शॉट से ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ यार मजा आ गया। लेकिन वन शॉट बिना उन 12-13 लेक्चर के उसका कोई मतलब नहीं है। पहले वो 12-13 लेक्चर अपने कई बार देखे हो, बहुत अच्छे से देखे हो। क्लियर ना इतनी बात बेटा? ऐसा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर ना। और आप इस गलत फहमी मत रहना कि मैं आपसे इसलिए ही बोलता हूँ जिससे कि यूट्यूब पे जो वीडियो रखे हुए हैं बहुत पॉपुलर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। पॉपुलर कराने के तरीके मेरे पास बेटा बहुत है, इतने अच्छे लेक्चर बनाने के बाद में 1000 लोग हैं और वो सारे के सारे LN के बच्चे हैं। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि इधर उधर का बच्चा उसको अटेम्प्ट करे, इसलिए सारे अपने ही बच्चे हैं उस पर जो देखते हैं,
वरना बहुत 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 सारे बच्चे उसको देख सकते हैं। मुझे सिर्फ एक बार व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस लगाना है, और एक बार स्टेटस लगाऊंगा तो धाड़ 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 लोग देखना चालू करेंगे। एक बार फेसबुक पे उसको शेयर करना, बट दैट इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज आपका रिविजन हो जाए और आपके लिए वो फायदेमंद, बस इतना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। इसलिए मैंने बीच में लेक्चर सारे के सारे प्राइवेट भी कर दिए थे, बट जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं अपने एलएन के, वो बहुत परेशान हो गए उससे, क्योंकि वो उस पर काफी हद तक डिपेंडेंट थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं टाइमिंग के लिए उनको अभी आपको देखने के लिए ऑन कर देता हूँ, पर आप लोग अपने लेक्चर्स रिवाइज जरूर करते रहें, जरूर करते रहें, जरूर करते रहें, और धड़ाधड़ 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 करते रहें। ठीक है बेटा, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस मच, है ना, क्लियर ना, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही ना, बहुत बढ़िया। और पर जब आप लेक्चर देखा करो ना, और यदि आपके पास ऑप्शन है लाइक करने का, और पसंद तो आपको आता ही है, तो आप उसको लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि मेरी माँ ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। वो बीच में मुझसे बात बोल रही थी, मानो लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये सब मैं मना करता हूँ, इसलिए ऐसा होता है, वरना उनको लगेगा मेरा बेटा अच्छा नहीं पढ़ाता। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। तो खैर जो भी हो, नाउ द थिंग इज दैट, नहीं नहीं उनको उनको विश्वास है, उनको विश्वास है। तो द थिंग इज दैट कि डाइपोल का वेक्टर लगाना बेटा आप लोग को आ गया, ठीक है ना। चलो लेट्स डिस्कस दैट। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा था, आपको ये तो लगाना आ गया है ना। अब चलो, अब आपको फॉर्मूला भी पता है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सी एस थ्री है और ये सी एस थ्री है, ये सी एस थ्री है और ये सी एस थ्री है, और ये सी एस थ्री है और ये भी सी एस थ्री है, करेक्ट है बेटा। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका डाइपोल मोमेंट कम है। आपको अब पता है, आपको पता है म्यू वन म्यू टू दोनों की वैल्यू सेम, आपको पता है म्यू वन बराबर म्यू टू है, क्योंकि जो म्यू इसका आएगा वो इसका आएगा, क्योंकि एक ही एटम है, मैग्नीट्यूड तो सेम आना है। अब सब कुछ निर्भर काय पे करेगा, कॉस थीटा पे। सब कुछ निर्भर काय पे करेगा, कॉस थीटा पे, समझ रहे हो बात को, क्योंकि इसके म्यू का फॉर्मूला होगा म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा अब का अंडर रूट। आपको पता है ये म्यू और ये म्यू तो सेम है, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू टू म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू स्क्वायर कॉस थीटा। आई होप सो, म्यू वन स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर टू म्यू स्क्वायर कॉस थीटा, सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू टू म्यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा। अब हमें सिर्फ cos थीटा की वैल्यू देखते हैं, cos थीटा की वैल्यू कहां पे ज्यादा रही कहां पे कम आ रही, वहां पे हम देख लेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट कहां पे ज्यादा आएगा। तो आप समझ गए, यहां पर 60 डिग्री है बेटा, यहां पर 60 डिग्री है, क्योंकि इसका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्टेड है और इसका वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब ट्रिक बताता हूं। मैं तो हर जगह यही करता हूं, पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक, अब मैं ट्रिक बताऊं, अब मैं ट्रिक बताऊं, सुनो ध्यान से। यदि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही हो, मतलब दोनों इनवर्ड हो या दोनों आउटवर्ड हो, तो जैसा एंगल दिखता है वैसा होता है। या यदि ऑर्थो पोजीशन पे, ये दोनों ऑर्थो हैं, 1-2 पोजीशन मतलब ऑर्थो, 1-3 पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन, एंड 1-4 पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन, पैर की तरफ तो पैरा पोजीशन। इन दोनों पोजीशन में 60 डिग्री का एंगल है, इन दोनों पोजीशन में 120 डिग्री का एंगल है, इन दोनों पोजीशन में 180 डिग्री का एंगल है। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। तो यदि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही हो, यदि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन रिंग के अंदर की तरफ हो, रिंग के अंदर की तरफ हो या रिंग के बाहर की तरफ हो, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो, तो जैसा दिखता है वैसा ही बॉन्ड एंगल होता है। 60 दिखा, 60 है बॉन्ड एंगल ही, सॉरी वो डायपोल के बीच का एंगल। 60 दिख रहा है, 60 है, 120 दिख रहा है, 120 है, 180 दिख रहा है, 180 है। बोलो हो, बोलो हो, हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा। बात समझ में आएगी, ट्रिक पसंद आई, ट्रिक पसंद आई, क्लियर इतनी बात। हाँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा होता तो क्या बोलता आप लोगों को, वो वाला जिसमें लाइक आते हैं,
लाइक लाइक, यदि ये बात पसंद आ गई तो प्लीज अभी के अभी 500 बच्चे लाइक कर दो, ठीक है ना? तो तो द थिंग इज दैट वो बेटा ऑनलाइन में चलता ही अलग है। मैं शुरू में देखता था, मेरे को कार्टूनिस्ट टाइप का लगता था, पर अभी वो शायद आजकल का ट्रेंड हो गया ऐसा। यदि ये बात पसंद आई हो तो हम आपको देख रहे हैं, हमारी टीम बहुत मोटिवेट होती है आपके लाइक्स को देख करके, और एक बहुत बड़ी टीम है जो आपके लिए मोटिवेशन के लिए काम कर रही है। प्लीज हिट द लाइक बटन यदि आपको ये बात पसंद आ गई हो तो, एंड देन दे स्टार्ट सेटिंग द लाइक बटन दिस एंड दिस, है ना? तो खैर जो भी हो सब दून नौटंकी चल रही है एक बात है। तो खैर ये कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। कल ही बेटा मैंने एक यूट्यूब का वीडियो देखा था, उस वीडियो पे लगभग 5 या 6 फैकल्टीज थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिसर कुछ लिया हुआ है किराए विराए पे इस समय, और उसका वो प्रचार प्रसार कर रहे थे कि कोटा के माने हुए 70 फैकल्टीज, 80 फैकल्टीज, 90 फैकल्टीज हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया, और देश के बेस्ट फैकल्टीज जो हैं वो पढ़ाने के लिए बच्चों को अब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिसका पैसा मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका पैसा भी वापस कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, शर्तें लागू ये भी लिखा हुआ था, शर्तें लागू ये भी लिखा हुआ था। नहीं, नहीं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो जो आप नाम लिख रहे हो ये सब नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग नाम बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर उनसे पूछा गया, सर आप लोगों ने कौन कौन से बच्चे पढ़ाए हैं, कौन कौन से रैंक वाले बच्चे पढ़ाए हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करूं इस बात को, यदि कोई टीचर ये बोले कि मैंने नंबर 1 रैंक का बच्चा पढ़ाया है, मैंने नंबर 1 रैंक का बच्चा पढ़ाया है, तो तुम मान लो कि वो 95% बच्चों का टीचर है ही नहीं। समझ गए आप मेरी बात को? यदि कोई टीचर ये बोले ना कि मैंने नंबर 1 रैंक का बच्चा पढ़ाया है, तो तुम लिख लो इस बात को कि 95% बच्चों को पढ़ाने के लायक ही नहीं है वो टीचर। आ गई तुमको बात समझ में? जो सबसे ज्यादा बेसिक पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो कभी भी टॉप रैंक बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जाते। टॉप रैंक बच्चे को पढ़ाने के लिए काबिल टीचर होता है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं भी उन बच्चों को पढ़ाता हूं अनडाउटली, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं। एक बात तो ये मान लो, ठीक है? दूसरी बात बेटा मैं आपको बताऊं, महाफर्जी महाफ्रॉड पांचों के पांचों, बरसों से जानता हूं मैं, लेकिन बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके, ये करके वो करके, और लेकर मतलब चालू हो गए कि मतलब बोले आपने किसको पढ़ाया, बोले टॉप 10 रैंक इंडिया की मैंने पढ़ाई, बोले आपने क्या पढ़ाई, बोले मैं तो हरदम टॉप ही रैंक पढ़ाता हूँ, मैं तो टॉपर ही पैदा हुआ, टॉपर ही पढ़ा, भगवान मालिक की कसम से, मतलब इतना फ्रॉड इस ऑनलाइन की दुनिया में, ईश्वर बचाए मतलब। चलो खैर, मैं कल बहुत दुखी था उसको देख करके, क्योंकि मेरे कहा यार ये चल क्या रहा है देश में, मतलब इट इज रियली मतलब वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, बंदरों की तरह उछल रहे हैं, कुछ तो भी हरकतें कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो। सो खैर ये बात समझ में आई तुम लोगों को कि नहीं आई बेटा? जल्दी बोलो बेटा, ये बात समझ में आई तुम लोगों को कि नहीं आई? आ गई ना। तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसके डाइपोल की आएगी, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसके डाइपोल की आएगी, जल्दी बताओ? पहले वाले की, क्योंकि cos 60 is equals to कितना आ जाएगा, cos 60 is equals to half आ जाएगा, और ये cos कितना है 120 minus half आ जाएगा, और ये क्या है, इसका वेक्टर इनवर्ड है और इसका भी इनवर्ड है, मतलब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसका मतलब ये फिर ये फिर ये, तो ये हो गया आपका म्यू का ऑर्डर। चमका के नहीं चमका, आया के नहीं आया? हाँ बेटा बच्चे तो फंस ही जाते हैं, बच्चे तो चमक धमक देख के फंस ही जाते हैं, ट्यूबलाइट की चमक सब कुछ करते हैं बेटा, ठीक है ना? वो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, बच्चे फंस जाते हैं ऐसे? सर बिल्कुल फंस जाते हैं। हाँ भाई लास्ट वन विल बी 1, ऐसा एक बच्चे ने बोला। भैया कॉस 180 कितना होता है बेटा, कॉस 180 कितना होता है जल्दी बताओ? -1 होता है, करेक्ट है। अब -1 है तो आप यहाँ पर 1 - 1 करोगे तो क्या होगा, ये 0 × दिस कितना होगा, टकलू होगा, मैथमेटिक्स। जिसने बोला थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, मैथ्स आता है समझ में, 0 × anything = 0, √0 = 0, बोलो हाउ। अब इधर देख, इधर कुछ भी होगा, मान ले तू मैग्नीट्यूड 2 मान ले आ गया सर √2 करने, √2 करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। कुछ तो भी मैथमेटिक्स मत बताओ, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा मैथ्स पढ़ा है आपने भगवान ही जानता है।
आपको यदि ये बात कम समझ में आती तो एक काम करो, इन सबको वैल्यूज दे दो। ओ मेरे पंडितों, इन सबको एक वैल्यू दे दो, इसको म्यू वन को टू मान लो, इसको टू मान लो, अब कर लो, अब हो जाएगा सॉल्व। तो यही क्वेश्चन बनेगी, टू इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया 8, 1 + cos थीटा, cos हाफ हो गया मतलब 3/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3/2 का अंडर रूट, इधर माइनस हाफ लिख, तो 1 - हाफ कितना होगा मेरे भाई, 1 - हाफ कितना होगा मेरे भाई, दैट विल बी इक्वल टू प्लस हाफ, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा 4, 4 का अंडर रूट आएगा, और इसमें तो कितना आएगा टकलू आएगा। प्लीज यार इस ऑर्डर के मैथ्स में मत फंसाया करो यार, हाँ इसमें बहस मत करो, थोड़ा खुद का दिमाग लगा लो, बैठ करके आराम से इत्मीनान से, और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो, तो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, क्या पता बन जाए क्या पता ना बने। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तुम कई टीचर्स को भी दे सकते हो और वो भी इसमें गलती कर देंगे, वो इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स ठोकते। ये ऐसे ही इंडिया के माने हुए टीचर्स जिनने 1, 2, 3 रैंक्स को पढ़ाया है, ये आ गया, क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। इसमें आप सिर्फ ये डिसाइड करो किसका डेवलपमेंट ज्यादा है किसका डेवलपमेंट कम है, जल्दी से बात करो। इसका क्या है बेटा, इसका वेक्टर कितना है, इसका वेक्टर एंगल कितना है जल्दी बताओ, इसका वेक्टर एंगल कितना है बेटा जल्दी बताओ। इसमें एक है बाहर की ओर, ये वाला बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, मतलब 60 दिख रहा है मतलब 120 है, बोलो आओ, मतलब 60 दिख रहा है मतलब 120 है, क्योंकि एक कहां है, ये अंदर की ओर है और ये कहां है, ये बाहर की ओर है, 60 दिख रहा है तो 120 है, ये 120 दिख रहा है तो ये 60 है। इसको देखो ये कहां है, ये इधर है अंदर की ओर है, और ये कहां है, ये बाहर की ओर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया, माना बोलना पड़ेगा यार, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया, तो यहां एंगल कितना होगा 0, देखिए 180 रहा है 0, सो यहां पर एंगल हो गया 0 डिग्री, यहां 60 डिग्री, यहां 180 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा बच्चों, फिर इसका होगा बच्चों, फिर इसका होगा बच्चों। जिन्हें वेक्टर लगाना नहीं आता है वो इसका आंसर ठीक रिवर्स देने वाले हैं। क्या तुम लोगों को बात क्लियर है बेटा, सब लोगों को बात क्लियर है, इस बात को समझ लो, क्योंकि ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो ये बात बहुत 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 कम लोगों को आती है, समझे, ये बात बहुत 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 कम लोगों को आती है, समझ गए ना बात को, बच्चे छोड़ो मास्टरों को भी नहीं आती है। तो यदि आप समझ गए तो आप तुरंत खुश हो जाओ कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कुछ विशेष आ गया, कुछ मजेदार आ गया, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। तो बेटा डाइपोल समझ में आ गया तुम लोगों को कि ये कैसे अपन वेक्टर सम देखते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जहां पर कि मैं आपको बताता हूं, एक बात याद रखना, जहां जहां रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जहां जहां रेगुलर ज्योमेट्री होती है वहां वहां, अब इसमें मैं आपको ये भी हो सकता है बेटा थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है, इस लेवल के मैथ्स का सवाल अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसकी बात बता रहा हूं आपको। समझना बात को ध्यान से बच्चों, जितनी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आप लोगों को याद होंगे बेटा, जिनमें लोन पेयर नहीं था और एक जैसे ही एटम लगे थे, बोलो ना बेटा, जिनमें लोन पेयर नहीं था और एक जैसे ही एटम लगे थे, बेटा आ सकता है एग्जाम में, किसी बच्चे ने बोला सर नीट में आ सकता है क्या, आ सकता है क्योंकि कंसेप्ट है ना, वेक्टर तो लगाना आते ही ना आपको बेटा, है ना, तो एक आध विशेष क्वेश्चन में किसी साल में आ सकता है ऐसा। अब आप क्योंकि रटने वाला होता ना तो मैं कह देता छोड़ो, लेकिन रटने का नहीं, आपको भी पता है ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट के बारे में अपन हरदम बोल सकते हैं कि हाँ इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको एक बार बोला था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसे देखते थे, नो लोन पेयर वॉज देयर एंड सेम काइंड ऑफ एटम वॉज अटैच टू द सेंट्रल एटम, no lone pair on central atom
ऑन सेंट्रल एटम एंड सेम काइंड ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम उनको अपन बोलते थे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। न्यू नेट इज इक्वल टू जीरो। बॉन्ड मूवमेंट होता है, बॉन्ड मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट उनका जीरो होगा। म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर सच मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन स्पाइट ऑफ पोलर बॉन्ड्स being present, polar bond being present, जैसे कि BF3, तीन वेक्टर है बेटा, ये एक वेक्टर जा रहा है, करेक्ट है। तो आप मेरी बात को समझ लेना, थ्री इक्वल वेक्टर्स एट 120 डिग्री, म्यू बराबर जीरो, वेक्टर सम उनका जीरो होता है। सुना, तीन वेक्टर 120 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट, मतलब 120 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के यदि वेक्टर प्रेजेंट हैं, तीन वेक्टर, देयर वेक्टर सम इज जीरो। चार वेक्टर 109 डिग्री 28 मिनट पर यदि प्रेजेंट है तो वेक्टर सम जीरो आएगा। पांच वेक्टर 72 डिग्री पे प्रेजेंट है तो वेक्टर सम जीरो आएगा, समझ ला। पांच वेक्टर 72 डिग्री प्रेजेंट है तो वेक्टर सम जीरो आएगा। और भी कर सकते हैं, छह वेक्टर कर दो 60 डिग्री पे, वेक्टर सम जीरो आएगा। 360 डिग्री को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दो, वेक्टर सम जीरो ही आएगा। समझ रहे हो ना, आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे वेक्टर। ऐसे रिजॉल्व करोगे तो आप जब देखोगे तो सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपको 360 डिग्री को इक्वल एंगल्स पे डिवाइड कर देना है, बस 360 डिग्री को इक्वल एंगल पे डिवाइड कर देना है। छह वेक्टर हुए तो 60 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है बेटा। अब चलो, तो इसका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट है। अब इसका वेक्टर सम क्या आएगा, CCl4 का जीरो आएगा। इन सब में बॉन्ड मूवमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि CCl में डाइपोल तो है, इस बॉन्ड में डाइपोल तो है, लेकिन ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट एवरेज टाइम स्केल पे जीरो होगा। इसका ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट और एवरेज टाइम स्केल इज जीरो, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट on average time scale is zero, clear है बेटा। जैसे किसी ने CF4 बोल दिया, म्यू बराबर जीरो, सब 109 डिग्री 28 मिनट पे है वेक्टर। जैसे किसी ने PCl5 बोल दिया, अब तुम बताओ इसका वेक्टर सम जीरो होगा कि नहीं होगा। जैसे किसी ने IF7 बोल दिया, इसका वेक्टर सम जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटा। इसमें तीन वेक्टर 120 डिग्री पे और दो वेक्टर 180 डिग्री पे, क्या कैंसिल कर देंगे, आना बोलना पड़ेगा। ये 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 तीन वेक्टर 120 पे कैंसिल कर देगा और ये दोनों वेक्टर 180 पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड देयरफॉर म्यू बराबर जीरो। इधर आ जा बेटा, ये पांच वेक्टर 72 डिग्री पे लगा है क्योंकि पेंटागोनल प्लेनर है तो 72 डिग्री पे कितने वेक्टर है, पांच वेक्टर एट 70 डिग्री, वेक्टर सम इज जीरो। और एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है,
तो वो 180 डिग्री पर है, ये एफ और ये एफ, तो वेक्टर सम जीरो, एंड देयरफॉर म्यू बराबर जीरो। मतलब सुनो, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपने पढ़े हैं उन सब में, जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपने पढ़े, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, जहां पर लोन पेयर ना हो, जहां पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ना हो और एक ही जैसे एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हो, समझ जाओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ही होगा। और यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है बेटा, टेट्राहेड्रल में भी यदि वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाए तो वेक्टर सम जीरो ही आता है। मैं करके देख चुका हूं, अभी करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको उस मैथमेटिक्स में नहीं ले जाना चाहता, मेरा समय बहुत खराब हो जाएगा। यदि भरोसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी याद कर लो कि रिजॉल्व करने पर जीरो ही आता है वेक्टर सम 109 डिग्री 28 मिनट का। सॉलिड स्टेट में हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जाकर के बनाते हैं 12th क्लास में, उस स्ट्रक्चर को बना करके यदि वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाए 101% वेक्टर सम जीरो ही आएगा। समझ लो, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसका वेक्टर सम जीरो हर फिजिक्स के मास्टर से पूछो वो बता दे। मैं कईयों को चेक कर चुका हूं, उनको हवा भी नहीं होती उसके, लेकिन एक अच्छे टीचर से पूछोगे जिसको मैथ्स आता होगा, वो 100% आपको वेक्टर रिजॉल्व करके 109 डिग्री 28 मिनट पे कर देगा। यदि अपन अलग से मिले तो मैं आपको सामने करके दिखा दूंगा 109 डिग्री 28 मिनट पर वेक्टर रिजल्ट जो है, नेट वेक्टर रिजल्ट जो है वो टकलू आएगा। बोलो हाउ क्लियर है, अभी आपको मुझ पर भरोसा करना है। पर ऐसा मत करना कि आप किसी फिजिक्स के मास्टर से पूछ लो और वो कहे ऐसा नहीं होता, आपका सर ने गलत पढ़ा दिया। कोई गलत नहीं पढ़ाया, मार्ट साहब को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। मिटा दें, शैल आई मिटाओ दिस बैच? ओके। चलो, तो ये सब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। किसी ने पूछा CF4 कैसा है, पोलर नॉन पोलर? क्या ना, नॉन पोलर। बॉन्ड मूवमेंट है लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट टकलू होती है। क्या होती? टकलू होती, ठीक है। फिर कुछ और फेमस एग्जांपल डाइपोल मूवमेंट के बताता हूं आपको, फिर एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, टॉपिक ओवर। जल्दी से बताऊं इसको, कुछ मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मूवमेंट कंपेयर कराते हैं, पोलैरिटी कंपेयर कराते हैं। जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा वहां पोलैरिटी ज्यादा होगी। जैसे किसी ने बोला HF, HCl, HBr, HI में डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? तो यदि देखा जाए तो चार्ज इस पे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, क्योंकि म्यू बराबर क्या था? क्यू इंटू डी था बेटा, याद आया सब लोग? म्यू बराबर क्यू इंटू डी था। तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि डी को इंपॉर्टेंस दें कि क्यू को दें। अब आपको तो याद होगा किसको इंपॉर्टेंस देनी है, चार्ज को इंपॉर्टेंस देनी है। तो जहां चार्ज ज्यादा वहां डाइपोल ज्यादा, तो ये हो गया बेटा इनकी पोलैरिटी का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मैग्नीट्यूड वाइज इसका डाइपोल ज्यादा होगा एच आई की तुलना में, तो एच एफ इज मोर पोलर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू और पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है, ऑर्डर ऑफ म्यू है। दोबारा नहीं लिखा मैंने ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इसी से समझ लेना ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट है। इसके अलावा बेटा ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, इधर NH3 लिख देते हैं, इधर PH3 लिख देते हैं और यहां पर NF3 लिख देते हैं। यदि हम वेक्टर्स लगाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसका, इस बॉन्ड का वेक्टर किस तरफ होगा, इस बॉन्ड मूवमेंट का वेक्टर किस तरफ होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इधर होगा, इधर होगा, और इस लोन पेयर का वेक्टर आउटवर्ड होगा। तो सारे वेक्टर ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं। इसमें देखा जाए
तो P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम होती है, 2.1 2.1, तो इनमें बॉन्ड मूवमेंट तो है ही नहीं, लेकिन जो भी होगा वेक्टर वो इसके कारण होगा। बोलो भाव, जो भी होगा वो इसके कारण होगा। बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार। इनमें वेक्टर एक ही दिशा में हमको दे रहे हैं दिखाई, इनमें वेक्टर एक ही है जो सिर्फ लोन पेयर का वेक्टर है। इसमें यदि देखें तो इसमें फ्लोइंग का वेक्टर इधर लगा हुआ है, इसका वेक्टर इस तरफ लगा हुआ है, इसका वेक्टर इस तरफ लगा हुआ, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका वेक्टर आउटवर्ड लगा हुआ है। तो इसमें वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं, इसमें वेक्टर ऐड हो रहे हैं, और इसमें एक ही वेक्टर है। तो आप लॉजिक से समझ जाओगे किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, पहले वाले का या दूसरे वाले का या तीसरे वाले का, किसका डाइपोल ज्यादा होगा। ऑफकोर्स पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का। इधर डाइपोल बहुत कम होता है क्योंकि वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं। आई होप सो आप इतनी बात समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ओके, दैट्स गुड। अब आपको रेजोनेंस आता नहीं, नहीं तो मैं आपको और भी ज्यादा डाइपोल सिखा सकता था यहाँ पर, लेकिन ठीक है, इतना काफी है। अब ऑर्गेनिक में जब आएगा तो मौका मिलेगा तो उधर भी कुछ कुछ बातें और मैं आपके साथ में कर लूंगा। ओके चलो, अब हम और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब मैं देख लूं कि और क्या दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में इसको लेकर के। ओके, इसके बाद में शायद, अच्छा हाँ, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल और देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये वाला बेटा, ये है H, ये है Cl कर देता हूँ, ये H, ये H और ये H, ये H, ये H, इसको Cl कर देता हूँ, ये H और ये Cl, ये C, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये H और ये C और ये Cl और ये Cl और ये Cl। अब इसमें आप बड़े कंफ्यूज हो सकते हो वेक्टर समेशन में, क्योंकि क्या है, ये तीन वेक्टर अपवर्ड जा रहा है, ये भी वेक्टर अपवर्ड जा रहा है। इधर देखो तो ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट, ये अपोजिट और ये अपोजिट, क्योंकि सब एक दूसरे से दूर की ओर डायरेक्टेड है। देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये वाला वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें चारों अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। इनफैक्ट इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा जल्दी बोलो। अरे बेटा, लोन पेयर का इन्वर्ट तब होता है जब वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है। यदि वो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है तो लोन पेयर का वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्टेड होता है। समझ गई बात को? हाँ, इसमें नेट वेक्टर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि चारों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है। जिसे समझ में आए अच्छी बात है, जिसे याद करना है वो याद कर लेना। इसमें जैसे जैसे सीएल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डायपोल मोमेंट कम हो रहा है। बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता ही आता है। इन सब एग्जाम्पल्स में हमने जिस चीज को महत्व दिया है वो है चार्ज। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है। एक ही एग्जाम्पल है, CH3Cl का डायपोल मूवमेंट CH3F से ज्यादा होता है, CH3Br से ज्यादा होता है, CH3I से ज्यादा होता है। ये एकमात्र एक्सेप्शन है, जो और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर ये वाला आपके नोन वर्ड में है एक्सेप्शन। ठीक है ना, रिमेंबर दैट। CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है। यदि कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव CCl बॉन्ड लेंथ। इसमें कई बातें छुपी हुई हैं, लेकिन रीजन में यही देना है। ठीक है बेटा, क्योंकि कोई बोल सकता है सर CI बॉन्ड लेंथ तो और ज्यादा होगी, लेकिन उसमें चार्ज कम होगा। मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा रखते हुए चार्ज भी ज्यादा रखा गया है, इसलिए CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा आया। पर ये लॉजिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा किससे होता है, CH3Br से, जो कि ज्यादा होता है CH3I से। आई होप सो सब बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। और अब मैं बहुत जोर से आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ, ना बोलना पड़ेगा यार, बढ़ जाऊं आगे। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ और लिख दूं, क्योंकि यहाँ जगह खाली है। चलो लिख देते हैं, H2O का डायपोल मूवमेंट H2S से ज्यादा होता है, H2SE से ज्यादा होता है। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार देखो, स्ट्रक्चर सबके एक जैसे हैं, सब में लोन पेयर भी एक जैसे हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये O है, ये H है और ये H है। तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, लोन पेयर ऐसा, लोन पेयर ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड मूवमेंट ज्यादा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा है। सल्फर और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है, कम है,
इनका बॉन्ड मूवमेंट कम होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल भी कम होगा, इसलिए S2 > S2S > S2 ऐसे। कुछ समझ में आया? ये वही चीज है जो HF, HCl, HBr और HI में मैग्नीट्यूड ज्यादा था, किसका? बॉन्ड मूवमेंट का। OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो मतलब पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब डायपोल का डायपोल भी ज्यादा आएगा। बाकी सारी चीज तो सेम है, वहां पे वेक्टर तो सब में एक ही दिशा में लगे हुए हैं। देखो सल्फर में भी देखोगे तो आपको वेक्टर तो यही दिशा दिखाई देगी, यू 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 और यू, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वेक्टर की दिशा तो एक ही है। तो इसका फिर इससे और फिर इससे ज्यादा हो जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है? अब तुम लोग मुझे बताना, अमोनिया फॉस्फाइन का हो गया तो बताने की जरूरत है, दैट्स इट। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आएगा दैट विल बी, आई सपोज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डाइपोल मूवमेंट पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जो कि डाइपोल मूवमेंट का लास्ट टॉपिक है। तुम लोगों को बेटा डाइपोल कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आया है डाइपोल कैसे हमको कंपेयर करना है? डाइपोल मूवमेंट दो चार बार इसको देख लेना, दो चार बार इसको देख लेना है ना। सिंपल नहीं पढ़ाया मैंने, सिंपल नहीं पढ़ाया। हाँ शुभम, आज तुमने मेरे को फोन किया था लेकिन शायद मैं तब बिजी था इसलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। वैसे भी आप मैसेज कर दिया करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, ये टॉपिक थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, ये टॉपिक थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन क्या हम लोग कॉम्प्लिकेशन से बचें या लेक्चर को दो तीन बार देख करके काम चला लें? हाँ डालेंगे ना बेटा, क्यों नहीं डालेंगे? आप बोलो, हम कॉम्प्लिकेशन से बचे या दो चार बार देख करके उसको समझ लें? दो चार बार देख के समझ लें, कॉम्प्लिकेशन से बचने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको रिलेटिवली थोड़ा सा लेवल अप करके ही इसको पढ़ाया है। ठीक है, ऑर्निक कब स्टार्ट होगा पहले ये तो कर लो, फिर ऑर्निक कर लेना बेटा, है ना। सर ऑर्निक कब स्टार्ट होगा? सर KBPY की क्लास कब स्टार्ट होगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया अच्छे से, टेस्ट में आ रहा है, जब वो अच्छा कर लो तब आगे बढ़ना। ठीक है ना, चलो थोपो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। ग्रुप के मैंने सारे जवाब तो दे दिए आपके डाउट के, ग्रुप के डाउट बचे हैं क्या? हाँ देखो यही क्वेश्चन और बचा था, सब ऑफलाइन कब से चालू हो रही है। हाँ बोलो सेठ साहब, मिटा दूं? सर नहीं दिए मैंने, कल डाला था डाउट, तो आप दोबारा डाल देते उसको, एक बार और उसको डाल देते सर ये नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सारे चैटवा किया होगा तो मैं देख नहीं पाया हूँ उसको, दोबारा डाल दिया करो। लेकिन आप यदि पर्सनल मैसेज करोगे तो आपका डाउट गायब हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला पर्सनल मैसेज मत किया करो, ग्रुप पे मैसेज किया करो। ग्रुप पे मैसेज करते हो तो मैं ग्रुप जरूर चेक करता हूँ, पर्सनल मैसेजेस तो 100-100 मैसेज अनरेड पड़े रहते हैं क्योंकि बहुत फालतू के मैसेज आते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ता वो सब। और क्यारा का तो एक भी मैसेज नहीं आता। It's so sad, you know this. चलो मेरे भाई, इतनी बात आपने ब्लॉक कर दिया। किसको ब्लॉक किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया ब्लॉक, क्यारा को ना मैंने नहीं किया, क्यारा को ब्लॉक नहीं, नहीं मैंने सोचा था ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि उसका अभी तक मेरे को एक बार भी मैसेज नहीं आया आज तक, तो इसलिए मैंने सोचा था मैं उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा इट्स ओके, नहीं करता। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने नंबर नहीं दिया तो क्या हुआ? मैंने कोई हाइपोथेटिकल नंबर पे क्यारा लिख करके उसको ब्लॉक कर दिया तो उससे मेरे को एक सुकून प्राप्त हुआ कि एटलीस्ट आई हैव ब्लॉक्ड द क्यारा, मतलब क्योंकि उसने मेरे को भाव नहीं दिया तो मैंने उसका ब्लॉक कर दिया। हाँ उसका इंस्टाग्राम भी मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। खैर लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। हाँ शादी हो गई है ना? शादी हो गई है, एकदम सही है। तो डोंट जज, डोंट जज।
ये मेरे सब एग्जाम्पल्स का पार्ट है, तो डोंट जज मी ऑन दैट, अदरवाइज मैं अपने एग्जाम्पल्स हटा दूंगा, आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, क्लियर मैडम? वैसे भी मैंने देखा है कि दुनिया में ज्यादातर बदमाश वो होते हैं जो शराफत की बातें करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट है ना, नहीं ये तो मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, दुनिया के सबसे बड़े बदमाश मैंने वही देखे जो सबसे ज्यादा शरीफ बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट करेक्ट है। तो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में क्या अपन को बात करनी पड़ेगी, आपको पता है मैंने आज तक क्या रहा कितनी पिक्चर देखी है? एक भी नहीं देखी है, एक भी नहीं देखी है। और एक पिक्चर जो देखी थी वो कपूर की देखी थी, वो क्या नाम था उसका, अरे यार वो क्या नाम था उसका, कबीर सिंह, कबीर सिंह। लेकिन वो क्यारा की पिक्चर नहीं थी, क्यारा तो उसमें बस साइड में थी, पिक्चर तो हीरो की थी यदि आपको ध्यान हो तो, है ना? तो खैर एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये तो अपन पढ़ चुके। टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा यदि हमें मॉलिक्यूल्स का डायपोल पता है तो हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बता सकते हैं। हाँ एमएस धोनी भी देखी है लेकिन वो मैंने हीरो की वजह से देखी थी। टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ दी मॉलिक्यूल, जैसे बेटा एग्जाम्पल बात करें तो टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ दी मॉलिक्यूल करेक्ट है। सुनो तो यार इसको पढ़ लो, है ना, जैसे कि मैंने देखा कि डाइपोल मूवमेंट पता है तो मैं बोल सकता हूँ एच एफ इज मोर पोलर देन एच सी एल, इज मोर पोलर देन एच बी आर, इज मोर पोलर देन एच आई, ठीक है? सिंस वैल्यू ऑफ एच एफ इज ग्रेटर, इट इज मोर पोलर, ठीक है बेटा? अमाउंट एस टू ओ, एस टू एस, एस टू एस ई, एस टू टी ई, एच टू ओ इज मोस्ट पोलर, मोस्ट पोलर बिकॉज म्यू लार्जेस्ट, क्योंकि म्यू एस टू ओ का बड़ा है। तो पहला पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है बेटा? नाउ सेकंड एग्जांपल, सेकंड पॉइंट, सिंस CCl4 हैज, CCl4 सिंस BF3 CCl4 PCl5 SF6 IF7 हैज म्यू नेट बराबर जीरो, देयर स्ट्रक्चर्स आर सिमेट्रिकल, आर सिमेट्रिकल। और यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, CH2, कार्बन डाइऑक्साइड CH2 BF3 CCl4, CH2 में भी तो ऐसे ही होगा ना बेटा, ये एस इस तरफ, ये एस इस तरफ, इसका वेक्टर इधर, सॉरी इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, वैसे इसका वेक्टर आउटवर्ड ही होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर है, तो वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा, इसका भी वेक्टर आउटवर्ड होगा, इसमें लोन पेयर था ना, वेक्टर आउटवर्ड होगा, इसका भी वेक्टर आउटवर्ड होगा, लेकिन टोटल बॉन्ड मूवमेंट जो है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है बेटा? अरे जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ बेटा, अरे वो तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, तुमको क्या लगता है? ठीक है ना, या सिर्फ एग्जाम्पल देता हूं और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लिखो इसको। आप में से जो जो लोग मेरे को ऑनलाइन देख करके किसी भी प्रकार की उम्मीद बांध रहे होंगे कि सर तो जरूर हमारा बॉन्ड बनवाने में मदद करेंगे, तुम आना बेटा एलन, तुम जिससे भी, जो जो मुझसे आज तक पढ़ा हुआ है उससे आप मेरी रेपुटेशन पूछ सकते हो,
आज तक मैंने सिर्फ बॉन्ड तोड़वाए, बनवाया एक भी नहीं। समझ गया आप मेरी बात को? तो द थिंग इज दैट कि जैसा मैं ऑनलाइन दिख रहा हूँ उससे हूँ मैं जस्ट अपोजिट। तो आपसे सिर्फ मैं पूछूंगा हाँ बेटा कुछ है, जैसे ही पता लगेगा वैसे ही तोड़वा दूंगा। रीजन बीइंग दैट नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता। तो खैर, और आप चाहो तो ट्राई कर सकते, ऐसा नहीं, मतलब यदि आपको डाउट है तो आप ट्राई कर लो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। To distinguish between cis and trans, अच्छा उससे पहले एक और पॉइंट है, to determine position, of groups on on aromatic compounds, on aromatic compounds, on aromatic compounds, ठीक है बेटा, to determine position on aromatic compound, जो अभी मैंने आपको पढ़ाए थे ना वो benzene ring वाले सारे structures, बेटा वो benzene ring वाले structure पढ़ाए थे ना, dipole moment देख करके उनकी पोजिशन को बता सकते हैं अपन कि वो उनकी पोजिशन क्या रही होंगी। यदि किसी ने ये बोल दिया आपसे कि मेरे पास में मिथाइल एनिलीन, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, पैरा मिथाइल एनिलीन और मेटा मिथाइल एनिलीन है, एरोमेटिक मीन्स बताएंगे बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड अभी आप मान लो बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक है, वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे पढ़ेंगे, अभी आप बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड को मान लो एरोमेटिक है, ठीक है ना बेटा, बाद में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक करके तीन चीजें आएंगी, खूब लंबा लेक्चर लगेगा उस पर और 50-60 एग्जाम्पल भी सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि मैं कभी ये बोल दूं, ये हो गया सब लोग का है ना, अब क्या आप बेटा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देख करके पोजीशंस बता सकते हो? जैसे कि कोई ये बोल दे आपको कि बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, टॉलिन है, अब बेंजीन रिंग पे यदि दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पे, चलो छोड़ो तुम तो वो नाम छोड़ो, तुम आप बेंजीन रिंग पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो बात को, और कोई क्या करे आपको तीन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, मतलब तीन अलग अलग, मतलब एक ऑर्थो होगा, एक मेटा होगा, एक पैरा होगा, सबके डाइपोल मूवमेंट बता दो, तो आप बता सकते हो ना ये वाला डाइपोल मूवमेंट किसका है, कंपेयर करके बता सकते हो ना, ये वाला ये है, ये वाला ये है, वो वाला वो है। देखो एग्जाम्पल अभी ड्रॉ करता हूँ फिर बताता हूँ, अभी एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे कि मान लो किसी ने क्या किया, आपको यहां पर लिख करके दे दिया समझना बात बेटा, मान लो ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है बेटा, इसमें दो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, इसमें मेटा पोजीशन पे है, 1-3 पोजीशन, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे चले क्लॉकवाइज, तो ये 1-3 होगी, नंबरिंग करते हुए अपन ध्यान रखते हैं कि लोएस्ट नंबर लें, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगी, तो 1-3 पोजीशन जो होती है मेटा होती है, 1-4 पोजीशन पैरा होती है, और
वन टू पोजीशन जो है वो ऑर्थो होती है। अब कोई बोल दे, तीन सैंपल हैं आपके पास, ठीक है ना, तीन सैंपल ले लिए गए। इस सैंपल का म्यू नेट आया टू, इस सैंपल का म्यू नेट आया 2.1 और इस सैंपल का म्यू आया 0। तो आप बता सकते हो ना कौन सा सैंपल में कौन सी चीज मौजूद थी? बोलो बेटा बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, बता सकते हो ना आप? ये बता सकते हो ये वाला सैंपल इसका है। अब इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, तो 2.1 वाला सैंपल ये वाला है, 2 वाला सैंपल ये वाला है और 0 वाला सैंपल ये वाला है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? बस यही बताता है डायपोल मोमेंट। और एक लास्ट चीज, डायपोल मोमेंट सिस और ट्रांस के बीच में डिफरेंस बताता है। शायद समय हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है समय, तो खैर तब तक मैं आपको सिस और ट्रांस आज बता ही देता हूं क्या होते हैं, कल समझा दूंगा, है ना बेटा? जैसे कि आगे चल के तो डिटेल में आएगा सिस और ट्रांस क्या होते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही बना हुआ है, आगे जाके आइसोमेरिज्म टॉपिक आएगा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में, उसमें सिस ट्रांस आता है। लेकिन तब तक मैं आपको बता देता हूँ सिस ट्रांस क्या है छोटा छोटा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब यहाँ आपने एक ग्रुप लगाया CH3 और इधर लगाया CH3, इधर H और इधर H, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो ये सिस कहलाएगा। ये सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड यदि चला जाता है, तो ये ट्रांस कहलाता। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस। आ गया समझ में? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ट्रांस, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड इज ट्रांस। अब लास्ट खत्म करता हूं इसको, तो मुझे बताना ये सिस है कि ट्रांस है? ये मॉलिक्यूल सिस है कि ट्रांस है? इट इज ट्रांस, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहा है। इनमें तो कंपेयर कर ही नहीं सकते अपन, सेम ग्रुप तो इधर ही आ रहा है, एच और एच अपोजिट साइड आ रहा है। तो इसी के आधार पर अपन इसको क्या बोल देंगे? ट्रांस बोल देंगे। और इसी का एक स्ट्रक्चर यदि यू बना दू, ये अलग हो गया। खैर ये कैसा है? सीएल सीएल सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इट इज सिस मॉलिक्यूल। आज की सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब कल पढ़ेंगे बेटा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें, ठीक है? चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है बच्चों? आओ मिटाएं। सेकंड पोर्शन में बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूंगा, वो शायद आधा या पौने घंटे का बचा हुआ है, बस इससे ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना? अब आज के लिए विराम लेते हैं, बाय बाय टाटा, सी यू। बोर्ड मिटा दें, अगली क्लास है वो पढ़ाना है। बाय बच्चों।